क्या जो प्रशासन ने कार्रवाई की है ये गलत तरीके से करी है, ये कार्रवाई गलत तरीके से करी है। बच्चों को फंसाया गया है, बच्चों के पास सब कुछ नहीं मिला है। कहा जा रहा है पुलिस प्रशासन कह रही है उस काफी असले काफी मात्रा में असले मुझे असला नहीं मिला है, सब फंसाने वाली बात है। और ये हमारा भांजा जो था कि ये तो बिल्कुल इतना नेक आदमी था, इतना अच्छा बच्चा था कि ये अपने काम से काम रखता था, मस्जिद में इमामत करना, अपने घर में रहना। और अगर जो गलत होता तो वो 6-7 हज़ार रुपये की नौकरी क्यों करता है? नौकरी वही तो करेगा जो ईमानदार आदमी होगा, जो गलत आदमी होगा वो तो कुछ भी कर लेगा, वो गलत था ही नहीं, ये बरी होगा कोर्ट से, हमें कोर्ट पर विश्वास है। मतलब क्या प्रशासन की जो कार्रवाई किया है उसके ऊपर आप गलत है, वो गलत है, इंक्वायरी करें, पहले इंक्वायरी करें, पहले इंक्वायरी करनी चाहिए, जब कोर्ट में पेश करना चाहिए, कोर्ट में पेश कर दिया, जेल में डाल दिया, कब चार्जशीट लगाओगे, कब वो बरी होगा, ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। जैसे कितने केस मैंने ऐसे देखे हैं कि बच्चों को कोर्ट में डाल देते हैं, कोर्ट में ले जाकर जेल में डाल देते हैं और 10 साल बाद चार्जशीट दाखिल करते हैं, फिर कहते हैं सॉरी गलती हो गई कि कुछ सबूत नहीं मिला, और उसकी 10 साल की ज़िंदगी में तो पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो उसका उसका आरोप किस पर लगेगा, प्रशासन पर लगेगा, नहीं लगेगा? क्या किसी बात का डर सता रहा है कि पकड़ा है इन्हें, कुछ ऐसा मन में कोई शंका नहीं? किसने क्या किस तरह से क्या सोच थी उन लोगों की, क्या पता लगे? अब यूं तो लट बजा के कुछ भी कहलवा लो बच्चे से, कुछ भी रख दो अपने पास से, ला के कुछ भी रख दो, हथियार ला के रख दो, कुछ भी ला के रख दो, लेकिन उसके पास से कुछ नहीं मिला। क्या बच्चे के पास से कुछ नहीं मिला? कभी कोई ऐसी बातचीत होती है जिससे? कभी इस तरह की बात थी नहीं। अगर जो इस तरह की बात होती तो पहले घर को भी पता लगता कि हमारा बच्चा किस लाइन में जा रहा है, पुलिस को पता लग गया, पुलिस क्या वही आती है उसके पास में, उसे पता लग गया कि ये इस तरह के हैं, घर को पहले पता लगता। अगर जो कुछ गलत होता तो हम सीधा जाकर पुलिस में दे देते अगर जो ऐसा होता, लेकिन ऐसा था ही नहीं है। क्यों पकड़ा होगा पुलिस ने फिर इसके में? क्या पता, शक के तौर पर पकड़ा है, किसी ने गलत सूचना दी है। सबूत पेश करो, सबूत कुछ पेश करो ना, सबूत कुछ मिलेगा ही नहीं, चार्जशीट में बरी होगा वो, कोई सबूत मिलेगा ही नहीं, चार्जशीट में लगेगा ही नहीं, बरी होगा कोर्ट का, कोर्ट पर विश्वास है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुजी। तो आज कार्रवाई हुई है यार, क्या आप ये कौन लगते हैं जिनके पेशी किया गया है? भांजा है मेरा। हाँ, और भांजा इतना अच्छा है, ये अपने हिंदुस्तान से इतना प्यार करता है, वो ऐसे बातें कैसे सोच लेगा? वो हर टाइम ये कहता है कि अपने हिंदुस्तान से मोहब्बत करना चाहिए, वही पक्का ईमान होता है उसका, अपने जो है हिंदुस्तान से मोहब्बत होनी चाहिए। और हर टाइम हदीस के बारे में ये बताता है कि हदीस बताती है अगर रास्ते में कोई पत्थर भी पड़ा उसको भी साइड कर दो, उससे अगर किसी को चोट लग जाती है तो उसका भी गुनाह अपने सर है। वो ऐसी सोच रखने वाला बंदा ऐसे कैसे हो सकता है? क्या करता है आपका भांजा? इमामत करता है वहीं मस्जिद में, गांव के पास में अपने, वहाँ से 3 किलोमीटर दूर मस्जिद है, उसमें नमाज पढ़ाने जा रहा था, तो उसको NIA वालों ने सुबह 6 बजे उठा लिया, और हमने पूछने की कोशिश करी कि किस मामले में उठाया तो कुछ नहीं बताया। शाम के टाइम मैंने बात करी तो उन्होंने ये कहा कि जी इसके पर कोई केस नहीं हुआ है, आप रात तक इसको छोड़ देंगे, लेकिन फिर पता नहीं उसको ले आए, उसका सामान तो वापसी दे दिया, जो सामान उसका चेक करने के लिए था उसमें कोई भी सबूत नहीं मिला था। आपको कोई शंका या कुछ डर सता रहा है क्या इस मामले को लेकर? हाँ सर, आपको कोई शंका या डर इस मामले को लेकर? नहीं सर। क्या कोर्ट पर आपको विश्वास है या कोर्ट क्या? का पूरा विश्वास है, हमारे हिंदुस्तान की कोर्ट बहुत अच्छी है, हमें पूरा विश्वास है, जो फैसला वो देंगे। क्या भांजी की कोई ऐसी हरकत, कोई काम कैसा कुछ करता हो? आज तक भी कोई हरकत नहीं करी है, बहुत अच्छा और बहुत सलीके का बच्चा है, कभी उसने किसी को गाली या कुछ भी नहीं कहा आज तक। उस डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा हिंद से मैं हूँ जी। और बताएं सर, ये जो पूरा मामला है सर, इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ISIS लिंक जो था। देखिए, ये दिक्कत हो गया, जो लोग तहकीकात कर रहे हैं ये उनका मैटर है, वो क्या उसमें करते हैं, और कानून अपना काम कर ही रहा है, आप देख रहे हैं जी, कानून अपना काम करेगा, हम सब लोगों को कानून पे भरोसा है जी, और उसी के लिए हम यहाँ मौजूद हैं, हमारे वकील भी उसके लिए यहाँ मौजूद हैं जी। हम तो बल्कि ये चाहेंगे कि कहीं भी, यहीं नहीं, कहीं भी अगर कोई मुलजिम है, कोई मुजरिम है, कोई गलत काम करता है, उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन नाजायज़ तौर पर भी किसी को नहीं सताया जाना चाहिए, ये हमारा कहना। इस मामले में आपको क्या जानकारी मिली थी और किस इस बारे में? हमें ऐसी कोई स्पेशल कोई जानकारी नहीं मिली, बल्कि इलाके से हमें मालूम हुआ कि भी इस तरह से
कुछ हमारे अधिकारी लोग यहाँ मौजूद हैं और अपने तौर पर वो तहकीकात कर रहे हैं। बस आपको क्या लगा था पहले कि आपको कभी कोई सस्पेक्ट हुआ था कि ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, हमें तो ये लगा था चूंकि आजकल दिल्ली में मालूम है आपको कि भाई सीलिंग का बड़ा मसला है। हम पहली फुर्सत में यही समझे।